माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला। मुझे एहसास है इस वक्त तुम जिस तकलीफ से गुजर रहे हो, लेकिन सच तो ये है कि मैं पहले तुम्हें आगाह कर चुका था लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। या ज़हीर मेरे पास जारा क्या था? और ज़हीर आप भी क्या बातें लेकर बैठ गए भाई साहब, पहले कम परेशान है ऊपर से आपकी बातें। नहीं ज़हीर की बातों का मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, एक ही तो मेरा दोस्त है जो मेरे मुश्किल वक्त में काम आता है। और जरूरी नहीं कि रिश्ते खून के हों, रिश्ते दिल के होते हैं, एहसास के होते हैं, और ऐसे रिश्तों में अगर अपने प्यारों को तकलीफ पहुंच जाए तो खुद को महसूस होती है। कभी भी अपने आप को जलाल अकेला मत समझना ज़हीर, इसीलिए बुरा ना मानो तो मुझे एक इजाजत और चाहिए। इजाजत? कैसी इजाजत? वो तुम जानते हो मोनी को बिलाल ने मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया था। ओहो मैं समझ गया। देखो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मोनी को ही यहाँ ले आओ, वो भी हमारी बेटी। हाँ हाँ भाई साहब आप इसे अपने ही घर समझें, और हमें मोनी बेटी के यहाँ आने पे कोई इतराज नहीं है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। मोनी को लेने चले? नहीं नहीं सब तो बहुत रात हो गई है, आप लोगों हॉस्पिटल वाले अंदर जाने नहीं देंगे, रात गुजर जाए सुबह चले जाना, मैं भी साथ चलूंगा। मैं आपकी ममता की तड़प को समझ सकती हूँ भाभी। ज़हीर ठीक तो कह रहे हैं, सुबह होने में 3-4 घंटे तो रह गए हैं। आप ऐसा करें मेरे साथ चलें कमरे में, आराम करें आप लोग, ठीक है? सुबह देख लेंगे। आइए आइए भाभी, आइए 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 आइए। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.